May I request the Honorable President of India, Shri Nath Kovind, to kindly unveil the plaque for SCI Bhubaneswar. For the graduating class of 2017, this occasion represents a major milestone in your careers. I congratulate all of you and especially the medal winners. As you leave this campus, you have a whole new world of opportunities ahead of you. Being bright technocrats, I am sure that many of you would consider setting up your own ventures to give shape to your innovative ideas. This, I am told, is the highest intake among the second and third generation IITs. I am happy to know that since its establishment, your institute has carried out several sponsored and consultancy projects and has set up 5 centers of excellence, including the Bay of Bengal Coastal Observatory. I am also happy to know that more than 80% of the graduating students have secured jobs in 4 sector companies. This too is a welcome sign. The events are an attempt to pave the path for the youth of Odisha to pursue their dream in these sectors which are needed of the hour. As you saw in the film, IIT Mumbai is a leading institute in the field of chemical and petrochemical in the country. Its presence in Bhubaneswar will provide great opportunities to students who would like to pursue their career in this field. पास के संभागों के लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। SBI का स्थायी परिसर अपने आप में बेहतरीन कौशल प्रशिक्षण की आदर्श संस्था रहेगी, जो उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता, नई तकनीक के स्वीकार और हरित अभिनव डिजाइन जैसी पर्यावरण की अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। यहाँ की मुख्य बुनियादी ढांचे की डिजाइन उड़ीसा की संस्कृति और विरासत का अनुभव करवाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, एडवांस्ड रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और नवीकरणीय और ऊर्जा भंडारण जैसे उन्नत और विक्षेपकारी तकनीक से जुड़े पाठ्यक्रमों को IIT खड़गपुर जैसे अकादमिक संस्थानों के सहयोग से बनाया जाता है। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर इज द कंट्रीज मोस्ट प्रॉमिसिंग स्किल अकेडमी प्रमोटेड बाय ऑयल PSUs मैनेज्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अंडर द एजिस ऑफ Ministry of Petroleum and Natural Gas, in line with Government of India. मुंबई के धन का योगदान राष्ट्र कोष में कर रहे हैं। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, टेक्सटाइल्स, मटेरियल्स, फूड और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के क्षेत्र में ICT मुंबई अन्य नामी संस्थानों की तुलना में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। भारत सरकार के तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रदेश की राजधानी में एक प्रतिष्ठित संस्थान शुरू करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए साल 2017 में हुए पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। ICT मुंबई का इंडियन ऑयल उड़ीसा परिसर पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम के विकास में एक उत्प्रेरक के तौर पर काम करेगा, जो पूर्वी क्षेत्र में निवेश और उद्यमियों को आकर्षित करेगा। ये स्थानीय स्तर पर कौशल विकास के जरिए रोजगार सृजन की संभावनाओं को बढ़ाने में भी मदद करेगा। IOCL और ICT मुंबई के बीच नवंबर 2017 में हुए एक समझौते के अनुसार ये दोनों उड़ीसा में नई खोज और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि आपसी समन्वय के लिए अनुसंधान और परामर्श परियोजनाओं के संदर्भ में ICT एक संस्थान के तौर पर काम करेगा।